हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हम आज पढ़ेंगे वो है सक्सेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसा सक्सेशन होता है ये तो हमने बाकी का तो देख लिया। अब अगर मैं स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। सो हाउ डज इट अकर? सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। पहली मेसिक, सेकेंड हाइड्रार्च एंड थर्ड ज़ेरार्च। मेसिक यानी कि मीडियम मॉइस्चर, यहाँ की पानी ठीक ठाक हो, जिसको हम कहेंगे मीडियम, ठीक है, मॉइस्चर, ताकि आपको याद रख सकें कि जो मॉइस्चर है वो ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाइड्रार्च जो होता है वो होता है सीधा वेट कंडीशन, ठीक है। और अगर हम ज़ेरार्च की बात करेंगे आपके, तो फिर ये होगा बहुत ही ज़्यादा ड्राई, यानी कि जहाँ पे पानी बहुत कम होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि प्लांट्स कैसे आते हैं, कैसे धीरे धीरे उनका फॉरेस्ट में कन्वर्जन होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, आप बस ध्यान दीजिए, छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लांट्स कैसे चलते हैं आगे, यहाँ पे एक तो चीज़ समझ लीजिए कि जो ज़ेरार्च और हाइड्रार्च हैं, इन दोनों का मकसद, प्लांट्स का जो सक्सेशन है इनका, यही है कि हमको मेसिक में जाना है, यानी कि मीडियम मॉइस्चर में जाना है। चाहे वो शुरू हो रहे हों आपके ड्राई एरिया से या कि वेट एरिया से, उनकी कंडीशन यही है कि उनको धीरे धीरे करके आपके मेसिक कंडीशन में, मेसिक टाइप की एनवायरनमेंट में जाना है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे आपके ज़ेरार्च कंडीशन की। ज़ेरार्च कंडीशन में आपके होते हैं कि जो आपका मॉइस्चर है दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मान लीजिए ये कुछ पहाड़ों की रेंज है, ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई भी वेजिटेशन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन जो हमने देखा था, प्राइमरी सक्सेशन कैसे स्टार्ट होगी? प्राइमरी सक्सेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो आएगा आपका लाइकेन, ठीक है। लाइकेन कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज़ करेगी जिससे ये जो पहाड़ है, इसकी जो सॉइल है या फिर जो सतह है, वो वेदर होना स्टार्ट होगी। वेदर होनी यानी बिखरना, टूटना। धीरे धीरे यहाँ पे जो सतह है वो सॉइल में कन्वर्ट होगी। पहले बेयर रॉक था, यानी कि सिर्फ प्लेन रॉक, पत्थर, अब वो धीरे 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 सॉइल में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे फिर जो लाइकेन थी उसके आगे, सबसे पहले लाइकेन थी जिसने एसिड रिलीज़ किया, जिसकी वजह से जो आपकी बेयर रॉक की सतह थी वो सॉइल में कन्वर्ट हुई। अब इस सॉइल में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ आएंगे आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स से धीरे धीरे एक 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 करके पेड़ आगे आगे चलते चलते ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके आसपास ट्रीज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपकी, जो कि एकदम ड्राई एरिया से शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ट हुई मेसिक कंडीशन में, मेसिक में पहुंच गए हम लोग, यानी कि पहाड़ों पे जहां पे एकदम कुछ भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे, वहां पे लाइकन शुरू हुई। अच्छा, ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? ये स्पीशीज़ जो पहले जाके किसी नई चीज़ पे अपना मुकाम बनाती हैं या फिर वहाँ से शुरू करती हैं, इनको हम कहते हैं पायोनियर, या पायोनियर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, पायोनियर स्पीशीज़, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखेंगे हाइड्रार्च में। हाइड्रार्च में क्या होता है, मान लीजिए ये एक लेक है, ठीक है, वाटर है, कोल्ड है, क्रिस्टल है। यहाँ पे धीरे धीरे आपके फाइटोप्लांकटन शुरू होंगे। फाइटोप्लांकटन शुरू हो गए, यानी कि उसके आगे की स्टेप्स जो है वो बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। सबसे पहले क्या है आपके फाइटोप्लांकटन, धीरे धीरे आपके आएंगे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में कुछ की जो रूट्स हैं वो फ्लोटिंग होंगी, यानी कि वो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, और कुछ होंगे जो कि सबमर्ज्ड होंगे आपके, ठीक है,
कुछ होंगे फ्लोटिंग, कुछ होंगे आपके सबमर्ज। धीरे धीरे अगेन ये भी ऊपर की तरफ एक के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा फॉरेस्ट में और आपको दिखेंगे ट्रीज़। यानी कि जो एकदम वेट था, जो पॉन्ड था, जो लेक था, वो भी आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉरेस्ट में। तो ये हो गया आपका मेसिक कंडीशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है। इतना समझ लीजिए कि जो टेंडेंसी है प्लांट्स की वो है आपकी कोई भी कंडीशन हो, चाहे हाइड्रार्च हो या फिर एक्सेरार्च हो, उससे जाना है आपको मेसिक में, यानी कि मीडियम मॉइस्चर में। नाउ हाइड्रार्च प्लांट्स जो होते हैं वो अलग स्टार्ट होंगे, आपके जो एक्सेरार्च हैं वो अलग। हाइड्रार्च में हमने देखा, हाइड्रार्च में हमने देखा कि शुरुआत हुई आपकी फाइटोप्लांकटन से, उसके बाद आपके आए एंजियोस्पर्म्स, फिर आपकी एल्गी आएगी, कुछ स्कम आएगा, श्रब्स आएंगे, इस तरीके से आगे आपकी बढ़ते जाएंगे। यही चीज़ हमने एक्सेरार्च में देखी कि सबसे पहले आपकी आई लाइकेंस, उन्होंने एसिड से जो बेयर रॉक था उसको तोड़ना शुरू किया, उसके आगे आए ब्रायोफाइट्स, उसके आगे अलग अलग स्पीशीज आपके जमती जाएंगे और वो पूरा आगे बढ़ता जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि जो एक्सेरार्च कंडीशन है इसमें सॉइल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ये एक या दो साल का या सौ साल का प्रोसीजर नहीं है। जो लाइकन्स द्वारा तोड़ के, जो बेयर रॉक को तोड़ के सॉइल बनाई जाती है, उसमें कई हज़ारों साल लग जाते हैं। सो दीज आर कंपेरेटिवली स्लोअर। हाइड्रार्च में भी टाइम लगता है बट इतना नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल नीचे अगर आपकी सिल्ट है तो इजी हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए मेन जो मेजॉरिटी चीज़ चाहिए वो है हमारी सॉइल। सेकेंडरी सक्सेशन में ये क्यों इजी हो जाता है, ये हम प्राइमरी देख रहे हैं। सेकेंडरी में क्यों हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी में आपको सॉइल ऑलरेडी मिलती है, आपको क्लाइमेट ऑलरेडी मिलता है, एनवायरमेंट आपका फेवरेबल बन गया, तो इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो होती है वो कंपैरेटिवली प्राइमरी से फास्ट होती है। ठीक है, ये है आपका सक्सेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसको लेके हम जल्दी आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल्स और हैंडल्स के आपको लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज़ हमें वहाँ फॉलो करिए ताकि जो भी हम नई अपडेट करें आप तक आ सके। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।